हेलो बच्चों, तो आज है फार्मास्यूटिक्स का सैंपल पेपर, है ना। पेपर का है पार्ट नंबर टू। कुछ बच्चों का कहना था कि पार्ट टू ज़रूर अपलोड कीजिएगा, हैं, पार्ट टू ज़रूर अपलोड कीजिएगा। अरे क्यों नहीं अपलोड करेंगे, बिल्कुल अपलोड करेंगे यार। कह छो और कुछ बच्चों, भाई एग्ज़ाम सर पे है भाई, जाहिर सी बात है टेंशन तो होती है। लेकिन देखो होता क्या है, एग्ज़ाम की तैयारी जब आप कर रहे हो, ईमानदारी से करो, जब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाते हैं तो ये 100% मान लो आपकी तैयारी करने का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मींस ऐसे आप जिस जगह बैठते हो, जिस सीट पे बैठते हो, जिस कॉपी को खोलते हो, लगता है आपको सब आता है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन पेपर में इम्पॉर्टेंट बताता हूँ तो सर खुजलाने लगते हो, यार इसमें क्या लिखना है, पढ़ा तो था कुछ याद तो आ रहा है, अरे ये तो 8 नंबर में है, हैं 8 नंबर में क्या। देखो सबसे बड़ी समस्या जो आपके सामने आती है वो यही आती है कि कभी 4 नंबर में पूछता है, कभी 16 नंबर में पूछता है, कभी 8 नंबर में पूछता है। वो आपके सामने समस्या कि हमको कंटेंट पता है 2 पन्ने का, और चाहे 4 नंबर में आए, चाहे 16 नंबर में आए, चाहे 8 नंबर में आए, हम 2 पन्ने ही लिखेंगे। यही आपका मेन ड्रॉबैक है, सबसे ज़्यादा टाइम आपका इसी में जाता है। देखो हमेशा आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको 4 नंबर, 8 नंबर, है ना, या 16 नंबर में कितना लिखना है। अगर कम नंबर का आता है तो आप प्रोड्यूस करो कंटेंट को, अगर ज़्यादा नंबर में आता है तो उसको और बढ़ाओ। बिना लिखे फार्मास्यूटिक्स में या तो कैलकुलेटिव पार्ट हो, अगर कैलकुलेशन का पार्ट होगा तब तो नंबर मिलेगा, कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होगा तो फंस जाओगे। एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करना, और अभी तो आप लोगों को एग्जिट भी देना है तो फर्स्ट ईयर का भी तैयार रखना, है ना। कुछ बहुत सारे कन्फ्यूज़न बच्चों को हैं, जो भी हैं एक एक करके पूछते चलो, मैं बताता चलूँगा, है ना। एक साथ सारे लोग अगर वो कर टूट पड़ोगे तो थोड़ी दिक्कत होती है। प्लस देखो जाहिर सी बात है, मेरा कोई अपना एप्लीकेशन नहीं है, कोई पेड चैनल नहीं है, आप लोगों के लिए ही चैनल ऑनलाइन यही कोविड में चलाया था, 8-9 महीने मुश्किल से हुए हैं, है ना। तो आप लोगों को ही इसे बढ़ाना है, मेरे पास दूसरा कोई एडवर्टीजमेंट का तरीका नहीं है। बस मुझे इतना मालूम है कि मैं पढ़ाता अच्छा हूँ और जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप तक पहुँचता है। तो बेसिक जिम्मेदारी इसको आगे बढ़ाने के लिए, यानी हमारे हाथ पैर आप ही हो, है ना। तो अगर समझ में आए, चैनल अच्छा लगे, तो सिर्फ अपने कॉलेज में नहीं, जिन जिन कॉलेज में, मैं कहता हूँ 18,000 बच्चे जुड़े हैं, अगर आप में से एक्टिव हो जाओ तो प्रदेश का कोई ऐसा कॉलेज नहीं हो सकता जो छूट जाए, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना। और करना भी चाहिए, अगर फ़ायदा मिल रहा है तो। ये मत सोचो मुझे फ़ायदा मिल रहा है, मैं दूसरे को फ़ायदा क्यों दूँ, कम से कम मेरे लिए तो सोचो, मेरा तो नेम फेम बढ़ा सकते हो, ठीक। यही एक चीज़ कहता हूँ, बाकी तो बढ़ाओगे तो ठीक है, नहीं बढ़ाओगे तो भी कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कोई और, कोई एक स्टूडेंट तो आएगा, है ना, जो वाकई में मानेगा कि नहीं सर जो कह रहे हैं वो सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फिर अगेन जो बात कर रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स 2 का है मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 80 नंबर, ठीक। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश में अगर रहता है तो आपको इंग्लिश को प्रायोरिटी देनी है। कोई भी न्यूमेरिकल डेटा है आपको इंग्लिश के पेपर से टैली करना है और उसी के बेस पे कैलकुलेट करना है। मींस अगर 5 लिखा है इंग्लिश वाले में है और 4 लिखा है अंग्रेजी वाले में, मान लिया कोई भी कैलकुलेशन है उसमें 4.2 और इंग्लिश वाले में 5.2 लिखा है, ऐसी समस्याएं आती हैं, है ना, मिसप्रिंटिंग हो जाती है हिंदी वाले में, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग थोड़ी टफ पड़ती है। तो इस केस में आप हिंदी मीडियम के पढ़े हो, आपको हिंदी में लिखना है, फिर भी आपको 5.2 ही लेके कैलकुलेशन करना है, बात समझे। 4.2 के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, बाद में बोलोगे हिंदी वाले में लिखा हुआ था 4.2, हमारी क्या गलती है, तो क्वेश्चन पेपर आया है। ऐसे केस में इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन द स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन। अगर किसी तरह का हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन में डिफरेंस है तो स्टूडेंट को क्या करना है, इंग्लिश वर्जन को ही प्रायोरिटी देनी है और अपना आंसर इंग्लिश वर्जन के हिसाब से देना है। इन्होंने पहले डिक्लेयर कर रखा है, आप कुछ भी कर डालो कुछ होने वाला नहीं है, राइट। यानी कि इस ऐसे केस में 5.2 के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है।
पेजर मोबाइल अगर आपके पास मिल गया, यूज़ करते मिल गए, तो आप रेस्टिकेट कर दिए जाओगे, दे नहीं पाओगे पेपर। तो ऐसी गलती मत करना। क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। चार चार नंबर के चार क्वेश्चन करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं इसमें। शॉर्ट नोट लिखना है आपको, किस पे लिखना है? यंग्स एंड डिलिंग फार्मूला, ठीक, ये चार नंबर का है। गार्गल एंड माउथ वॉशेस, ये चार नंबर का है। टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट, ये भी चार नंबर का है। ऐसा नहीं सिर्फ टाइप लिख के मत छोड़ देना, उसकी डिटेल भी लिखनी है, तब चार नंबर मिलेंगे। शैम्पूज के बारे में है ना, सब कुछ लिखना है। एंटी डेंड्रफ भी लिखना है आपको, नॉर्मल भी लिखना है, फ्लेवरिंग एजेंट भी लिखना है, प्रिजर्वेटिव भी लिखना है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी लिखना है, सब कुछ डिटेल में, तभी चार नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं, है ना। नंबर काटने के लिए वहाँ टीचर बैठे हैं, आपको नंबर देने के लिए नहीं, ये चीज़ दिमाग में रखना, अदरवाइज बोर्ड में नंबर मिलते नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, एग्जांपल्स मैंने देखे हैं अपने टाइम पे, ऐसे ऐसे हैं कि बाकी मीन्स 80 में सोचो 60 नंबर और 70 नंबर लाने वाले बच्चे के भी 7 नंबर और 6 नंबर आ जाते हैं कुछ सब्जेक्ट में। मान सकते हैं क्या कि भाई कोई बच्चा इतना स्कॉलर है कि 60 नंबर 70 नंबर 40 नंबर ला रहा बाकी के सब्जेक्ट में, और किसी एक सब्जेक्ट में 7 नंबर खाली लेके आए, इतना भी वीक तो नहीं होगा, है ना। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाउ विल यू डिस्पेंस द फॉलोइंग पाउडर्स कंटेनिंग, ऐसे पाउडर्स को हम किस तरह से डिस्पेंस करेंगे अगर उस पाउडर में वोलाटाइल ऑयल हो, पोटेंट सब्सटेंस हो, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस हो। इन सब के लिए एक स्पेशल टाइप की टेक्निक होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसकी डिटेल लिखनी है, ठीक। तो ये जो है भाई तीन क्वेश्चन हैं, ये आपका चार नंबर का, ये चार नंबर का, ये चार नंबर का, और ये एक चार नंबर का सेपरेट है। राइट है नोट ऑन सस्पेंशन, यानी इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं। कभी कभी ऑप्शन की भरमार कर देता है और कभी कभी एक भी ऑप्शन नहीं देता है ना, तो ऑप्शन के भरोसे मत बैठना। पेपर का टाइप वेरी कर सकता है, और कमेंट में बताना कि मैंने जितने क्वेश्चन बताए क्या पहले से पूरे आते थे। देखो ये बात सही है, वोलाटाइल ऑयल हमें टेक्निक पता है, लेकिन क्या उस टेक्निक को एक्सप्लेन कर सकते हो? पोटेंट सब्सटेंस है उसको किस तरह से हम डिस्पेंस करेंगे, या हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है उसको हम किस तरह से एक्सपोज कर, बिना एक्सपोज हुए एटमोसफेयर में उसको हम डिस्पेंस कर सकते हैं क्या? इतना लिख सकते हो, इतना कंटेंट है आपके पास कि 8 नंबर 4 नंबर में आए तो लिख सकते हो। कंटेंट हमको तैयार करके रखना है। इन क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलते हैं कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने नंबर में आते हैं, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लो। अभी क्या है, महीने भर से ज़्यादा है अपने पास समय। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फॉलोइंग, पाउडर के एडवांटेज डिसएडवांटेज और पाउडर का फॉर्मुलेशन के बारे में लिखना है। पेस्ट का, पेस्ट के बारे में लिखना है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और फॉर्मुलेशन के बारे में। पाउडर के बारे में लिखोगे तो भाई 5 नंबर पा जाओगे, पेस्ट के बारे में लिखोगे तो 5 नंबर पा जाओगे, यानी ये टोटल हो गया हमारा 10 नंबर का। और ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन क्रीमिंग एंड क्रैकिंग ऑफ इमल्सन, क्रीमिंग ऑफ इमल्सन एंड क्रैकिंग ऑफ इमल्सन, फ्लोकुलेटेड डीफ्लोकुलेटेड, ये सब पढ़ के रखना है ना। इन सब पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, जिसको डाउट है, जिसको लगता है हमने पढ़ लिया है। मैंने मल्टीपल चॉइस पे जाओगे, जब एमसीक्यू में जाओगे, स्पेशली फार्मास्यूटिक सेकंड का अलग एक फोल्डर है मल्टीपल चॉइस का, उसको सॉल्व कर लोगे काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। फिर चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ सपोजिटरीज, अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ सपोजिटरी, सपोजिटरी किसे कहते हैं। गिव एन आइडिया अबाउट सपोजिटरी बेसेस विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में लिखना है, और इतना लिखना है कि भाई 8 नंबर मिल जाए। नेक्स्ट इसका पार्ट है, डिस्कस इन डिटेल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, ये भी हमारा 8 नंबर की जो इमल्सन प्रिपरेशन टेक्निक्स हैं उनके बारे में लिखना है विद इंस्ट्रूमेंट, तब जाके आपको 8 नंबर मिले। देखो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक नंबर भी अगर कम पड़ गया, कभी इंटरनल नंबर से कम पड़ जाता है, कभी एक्सटर्नल नंबर से, पूरे साल पछताना पड़ता है, काश थोड़ा सा और पढ़ लिए होते, पूरे साल अपने आप को कोसते रह जाओगे, वही काश कहने की नौबत ना आए। अभी समय है, कुछ नहीं पढ़े हो अभी भी वक्त है कि बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। सही गाइडेंस चाहिए अकाली, सही गाइडेंस, सही तरीके से पढ़ाई। देखो स्मार्ट और हार्ड वर्क में यही फ़र्क है ना, गधे और घोड़े में यही फ़र्क होता है, काम दोनों करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, आई ड्रॉप और आई लोशन में क्या डिफरेंस है, डाउचेज एंड इनेमा में क्या डिफरेंस है, ऑइंटमेंट एंड पेस्ट में क्या डिफरेंस है।
डिफ्यूजिबल एंड इनडिफ्यूजिबल मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस है भाई। जाहिर है इसका डिफरेंस लिखोगे तो चार नंबर, इसका डिफरेंस लिखोगे तो चार नंबर, इसका डिफरेंस लिखोगे तो चार नंबर, इसका डिफरेंस लिखोगे तो चार नंबर। इस तरह से करते करते आपका टोटल 80 नंबर के क्वेश्चन हमने बताए। अब बताओ भाई 80 नंबर में कितना ला सकते हो। देखो जरूरी नहीं आप जो लिखते हो, जैसे आपके यहाँ पे क्या है भाई सेशनल में आपने अच्छे से लिख दिया, आपको 20 में 18 नंबर, 20 में 19 नंबर, 20 में 20 नंबर मिल गए, लेकिन बोर्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कंटेंट अगर आपका सही है, क्योंकि भाई किस टीचर के हाथ में जाए भाई, हम लोगों को भी इन्विटेशन मिलता कॉपी चेक करने का, अगर सही टीचर मिल गया तो बढ़िया नंबर मिल गए, कहीं बीवी से झगड़ा करके आया होगा तो अपनी अपनी किस्मत है ना, सोच के रखना। इस तरह से करके पार्ट टू मैंने दे दिया, पार्ट थ्री भी बहुत जल्द दूंगा, ठीक है। पढ़ते रहो, कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो और करवाते रहो। ओके बाय।